नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल प्रदीप लीगल हेल्प में। मैं आपका मित्र प्रदीप गौड़ एडवोकेट। दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का समान अधिकार। भले ही बेटे की शादी क्यों ना हो गई हो, आइए जानते हैं क्या है संपूर्ण जानकारी। अपने पिता की पैतृक संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि बेटे का होता है। यह फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बेटी को भी अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का अधिकार है। भले ही हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने के पहले ही उसके पिता की मृत्यु क्यों ना हो गई हो, अदालत ने कहा कि 2005 में संशोधित हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह बेटियों का अधिकार है। बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। कोर्ट ने कहा कि हिंदू महिला को अपने पिता की संपत्ति में भाई के समान ही हिस्सा मिलेगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में 2005 में किए गए संशोधन की व्याख्या करते हुए कहा कि यदि कानून संशोधन से पहले भी किसी पिता की मृत्यु हो गई हो, तब भी उसकी बेटियों को पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलेगा। कोर्ट ने कहा 9 सितंबर 2005 के पहले और बाद से बेटियों के हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्तियों में हिस्सा मिलेगा। अगर बेटी जिंदा नहीं है तो उसके बच्चे संपत्ति में हिस्सेदारी पाने के योग्य समझे जाएंगे। कोर्ट ने कहा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बेटी जिंदा है या नहीं, यह हर हाल में लागू होगा। बता दें कि वर्ष 2005 में कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा, लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि अगर पिता की मृत्यु वर्ष 2005 से पहले हुई है तो यह कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। अब न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला सुनाया है कि यह हर हाल में लागू होगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1965 में साल 2005 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबरी का हिस्सा देने का प्रावधान है। इसके अनुसार कानूनी वारिस होने के नाते पिता की संपत्ति पर बेटी का भी उतना ही अधिकार है जितना कि बेटे का। विवाह से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।